गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर 1। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने इसके एग्जांपल्स किए थे चैप्टर नंबर 1 के, और अपन इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 1.1 ऑन पेज नंबर 6, उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक है वो अपने सामने ओपन कर लो, और जो अपनी कॉपी है नोटबुक उसको भी ओपन करके साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है? तो ऑन पेज नंबर 6 सभी ओपन कर लो, अपन 1 by 1 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, ये सिंपल से बहुत, अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 ये देखिए केयरफुली, तो आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं, नए जुड़े हैं जो बच्चे, वो क्या करें, सबसे पहले वीडियो 3 को देखने के बजाय सबसे पहले वीडियो 1 देन 2 वीडियो इसको केयरफुली देखो, देन 3 के अंदर अपन जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है जो अपन करा रहे हैं वो आपको भी इजी समझ में आएगी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो, राइट दी फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। ये जो अपने को नंबर्स दिए हुए हैं इनको इंडियन नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है, इंडियन नंबर्स में इनको कन्वर्ट करना है। ये कौन से नंबर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं अपने को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। तो इसको अपन में अपन को क्या करना है, इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दिया है, ठीक है? इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, 50.040.901, ये इंटरनेशनल फॉर्म में दे रखा है। मैंने बताया भी था आपको कि 3 डिजिट आएंगे, 3 डिजिट, देन फिर 3 डिजिट, देन फिर 3 डिजिट, ठीक है? इसके अंदर तीसरी डिजिट दे नहीं रखी, ऐसा मत सोचना कि ये 2 डिजिट ही क्यों दे रखी है, इसके अंदर तीसरी जो डिजिट है 3rd डिजिट वो दे नहीं रखी, ठीक है? तो इसके अंदर होता है 3, फिर कोमा, फिर 3, फिर कोमा, देन 3, ये सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अपन को कन्वर्ट करना है इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो इंडियन नंबर सिस्टम में अगर अपन इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके अंदर दे रखा है 50,040,901, ये इंटरनेशनल फॉर्म में दे रखा है, देन अपन को कन्वर्ट करना है इंडियन में। ये मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हूँ इसलिए आपको ऊपर नोट करा देता हूँ, ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल के अंदर दे रखा है ये, और ये है जो है इंडियन में दे रखा है, ओके? आपको नोट डाउन नहीं करना है कॉपी के अंदर, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको लिखा रखे हैं ये, ठीक है? तो अपन को इसको कन्वर्ट करना है इंडियन के अंदर, तो इंडियन में जाते ही क्या हो गया, ये 5,40,901 ये इंडियन के अंदर बदल गया। तो अपने को अब जल्दी जल्दी देखते हैं अपन इसको, अब जैसे सेकंड है, इस फॉर्म को अपन को इंडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 52,43,865, ठीक है? बहुत इजी मेथड से ये। थर्ड है, थर्ड जो वैल्यू दे रखी है अपने को, इसके अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,62,41,000, यहाँ पर जीरो है तो मतलब कुछ ही नहीं है, तो 41,000 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल फॉर्म दे रखी है इसको फिर अपन कन्वर्ट करेंगे इंडियन में तो क्या आ जाएगा, 4,65,15,215, बहुत ईजी है, ठीक है? 4,65,15,215, ठीक है? आप इसको, आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर भी। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर क्या है देखते हैं, रीड करते हैं अपन। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो अपने को इसके अंदर नंबर्स दे रखे हैं, इसके अंदर कोई फॉर्म नहीं दे रखी कि इंटरनेशनल में दे रखे हैं या फिर इंडियन में दे रखे हैं, इसमें ओनली नंबर्स दे रखे हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई कोमा भी नहीं है बीच के अंदर, मतलब कि ये ओनली सिंपल नंबर्स हैं। तो इसको अपन में, अपन को कायम में कन्वर्ट करना है इसको,
इसको अपन को करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर अपन को कन्वर्ट करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आपके इस एक्सरसाइज के बैक साइड में चैप्टर यानी बुक के लास्ट के अंदर जो आंसर्स रहते हैं उन पे आप बिल्कुल भी नज़र ना देखें उस पे, क्योंकि जो इस एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं पीछे वो बिल्कुल रॉन्ग हैं। उसके अंदर आपको एक 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि राइट मिल सकते हैं, बाकी सब रॉन्ग दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो आप उस पे बिल्कुल ध्यान ना दें, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यही राइट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसी पैटर्न से आपको कॉपी में या फिर एग्ज़ाम्स जो हैं आपकी फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट उसके अंदर आपको करना है, ठीक है। तो इसको अपन को जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको इंडियन न्यूमेरिशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा देखो, इसके अंदर नंबर दे रखा है 865964, ये नंबर दे रखा है अपने को 865 देन 964, ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इसका है, ठीक है। तो अपन इसको अब क्या बोलेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में बदलना है ना, तो सबसे पहले 3 के बाद तो कोमा सब में आता है, देन क्या आएगा 2 के बाद कोमा आ जाएगा, 2 के बाद। अगर इंटरनेशनल में अपन को कहता कि इंटरनेशनल में बदलो तो क्या अपन क्या करते हैं, ये कोमा जो हटा के यहाँ लगा देते, लेकिन इंडियन में है तो अपन को कोमा यहीं रहने देना है, ओके। तो अब इंडियन के हिसाब से अपन को इसको कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिशन लिखना है इसका, तो अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट 865964, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अपना। मैं इसको रब कर देता हूँ अब, ओके। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐसे उतार लो, ओके। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है इसका सेकंड वाला पार्ट उसके अंदर देखते हैं, नंबर दे रखा है अपने को 587587 देन 6487 6487, ये फिर मैं राउंड कर रहा हूँ आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब अपने को ये नंबर दे रखे हैं इसको भी अपन को न्यूमेरिशन में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंडियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इंडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या रास्ता है, कोमा लगा लो इंडियन के हिसाब से, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स है उसके बाद कोमा लगा लो, देन 2 डिजिट, ओके, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन सेट कर लो, सबसे पहले दे रखा है 58, मतलब कि 58 लाख, दिख रहा है आपको 58,76,000 देन लास्ट 487 487, ये 87 है, आपको आई थिंक दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ये है 487 SEVEN 7, ठीक है। तो अपन को अपन ने इसको इंडियन के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखते हैं अब, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर अब क्या है, अपोजिट काम हो गया, कैसे, इसके अंदर जो नंबर्स दे रखे हैं ना वो दे रखे हैं अपने को इंडियन के हिसाब से, जो नंबर्स दे रखे हैं जो वैल्यू गिवन है अपने को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अपन को क्या कन्वर्ट करना है, देखो रीड करो, वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन, इसको इंटरनेशनल नंबर के हिसाब से अपन को कन्वर्ट करना है, तो करते हैं। इसके अंदर देखो अब फर्स्ट है इंडियन के हिसाब से दे रखा है इसके अंदर 870,202, है ना। अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसके हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो अपन लिखेंगे 87,202, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कोमा दिया हुआ है इंडियन के हिसाब से वो दे रखा है यहाँ पर, इधर दे रखा है 80 है ना, जो 8 वो बिल्कुल अलग है, और फिर दे रखा है 7,802, ये दिया हुआ है अलग, तो अपने इंटरनेशनल में करेंगे तो हो जाएगा 87,202। वैसे ही इसमें दे रखा है सेकंड, सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड दे रखा है
20,034, इंडियन के हिसाब से दे रखा है 20,034, बट अपन को इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या करना है, 20,034, ठीक है, यही होगा, बिल्कुल सेम होगा, ये भी इंडियन में भी ये दे रखा है 20,034, और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी अपन को यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं वो आई थिंक 1000 के बाद आते हैं, वो चेंजेस इंडियन और इंटरनेशनल में जो चेंजेस आते हैं, डिफरेंस मिलते हैं अपने को किसके बाद मिलते हैं, थाउजेंड्स के बाद मिलते हैं, लैक्स में, करोड़ में, मिलियन, इनमें। अब देखते हैं थर्ड भी बहुत ईजी है, थर्ड के अंदर क्या है, इसमें दे रखा है 42,80,001, इसको अपन अगर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4,280,001, क्या आएगा, अगेन देखते हैं, 4,280,001, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पॉइंट, उसको देखते हैं, इसमें दे रखा है 51,11,121, 51,11,121, तो अपन को इंटरनेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5,111,131, अगेन 5,111,131, ठीक है। अब देखते हैं अगला, फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये भी इजी है, इसके अंदर इंडियन के हिसाब से रखा है 1,99,99,911, ये थोड़ा टिपिकल है, तो अपन इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे अपन न्यूमरेशन में, अपन लिखेंगे 19,999,911। अगर आपने वीडियो नंबर 2 स्पेशली केयरफुली देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, और बुक्स को सामने रख के आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा होगा, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगेन रीड करते हैं, 19,999,911, थोड़ा टिपिकल है, 9 वाली जो डिजिट है वो काफ़ी बार है इसके अंदर, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको एज चीज उतार लो, ये 911 है, आपको अगर कोई देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बता देता हूँ, 900 ये 11 दे रखा है, ओके। लास्ट देखते हैं 6 वाला पॉइंट, इसके अंदर है इंडियन के हिसाब से दे रखा है, इसके अंदर 5 करोड़ 111, ओके। तो अपन इसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, 50,111, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको 5 करोड़ जहां पढ़ा था उसके साथ एक और जो जीरो है वो ऐड हो जाएगी और हो जाएगा 50,111, बहुत इजी है, ठीक है। आप इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर इसको इजीली आप उतार लो इस पूरे को। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उनसे ईजी है, इसके अंदर क्या करना है अपने को, बहुत ईजी है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर, फिगर के अंदर अपने को नंबर्स करने हैं कन्वर्ट। फर्स्ट है 28,55,987, ठीक है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है नंबर्स में, तो अपन इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28,55,987, ठीक है, बहुत ईजी है ये तो बहुत। अब सेकेंड वाला देखते हैं, 60,04,077, बिल्कुल कर दो बिल्कुल वैसे ही जैसे बोल रहे हैं, 60,04,077, ठीक है, 77। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो बहुत इजी है, ये भी इसके अकॉर्डिंग ही होएगा। फर्स्ट जो दे रखा है अपने को वो है 25,000,000, जो अपने को इसके अंदर न्यूमरेशन दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं वो कायम में दे रखे हैं, इंटरनेशनल के अंदर दे रखे हैं, अपन को कायम में कन्वर्ट करना है इनको, इंटरनेशनल में ही करना है लेकिन अपन को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसके अंदर दे रखे हैं वर्ड्स के अंदर 25,603,405, बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही कर दो जैसे ये बोल रहे हैं, 25,603,405
3405. ठीक है, अब सेकंड है 126,487,999. ये थोड़ा टिपिकल है, इसको थोड़ा केयरफुली देखो क्या है. सेकंड जो दे रखा है वो है 126 मिलियन. ये दे रखा है, कोमा से पहले वाली जो चीज़ें होती है वो अपन सबसे पहले एक साथ पढ़ते हैं. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे अपन, 126,487,999. ठीक है, इसको आपको बिल्कुल जैसे मैंने बोर्ड पे करा रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है, बट आपको क्वेश्चन लिखना है और जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके नीचे इनके आंसर लिखने हैं. वैसे ही सेकंड जो दे रखा है उसका पूरा आप उतारो वर्ड्स के अंदर न्यूमेरेशन में, देन आपको नंबर्स के अनुवर्त आपको कन्वर्ट करके नोट डाउन करना है नोटबुक में. ठीक है, तो ये अपने जो 5 क्वेश्चन थे ऑन पेज नंबर 6 ये अपने कंप्लीट करें. अपन अब जब भी नेक्स्ट क्लास होएगी अपनी उसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए उनको आप प्रैक्टिस करो. नहीं तो आप क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत थोड़ी टिपिकल है, एक बार में समझ में नहीं आएगी आपको. वीडियो भी उसके अंदर 1-3 टाइम्स आप उसको रिवर्स करके अगेन एंड अगेन उसको देखो बार बार, जब तक समझ में नहीं आए, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप अगला उसको पढ़ो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो 14 क्वेश्चन तक है एंडिंग इसकी उसको कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. ओके, थैंक यू.